अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को भी बहकाने की बहुत कोशिश की। भगत सिंह थे पर वो आज मुझसे कोई पूछता है कि आप में इतना जोश कहाँ से आता है, मैं तीन लोगों का नाम लेता हूँ, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद। अशफाकुल्ला खान को जब फांसी की सज़ा सुना दी गई तो उनसे पूछा गया, कुछ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? तो मालूम अशफाकुल्ला खान क्या कहते हैं? कहते कुछ आरजू तो नहीं, बस आरजू ये है कि कोई रख दे खाके वतन कफन में। आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई, आप कहते हैं कोई रख दे खाके वतन कफन में। मेरे भाइयों, कहाँ है वो जोश आज के नौजवानों में, कहाँ है वो जुनून आज के नौजवानों में? हम क्यों खौफनाक हो गए हैं? क्या भूल गया आपने क्या टीपू सुल्तान ने कहा था कि सौ साल तुम गीदर की जिंदगी गुजारो, उससे बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी गुजार के मर जाओ तुम। मेरे भाइयों, हमें सीखना है इन लोगों से। भगत सिंह को अंग्रेजों ने बहुत बहकाने की कोशिश की। जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फोड़ा तो उन्हें कोर्ट में पेशी की गई उनकी, तो जज ने कहा, अंग्रेज जज ने कहा कि ए भगत, हमने तो तुम पे सिर्फ 150 साल रूल किया है, राज किया है, इन मुगलों ने तो तुम पे 800 साल राज किया है, तुम इन पे क्यों नहीं बम फोड़ते, हम पे क्यों बम फोड़ते हो? तो भगत सिंह मालूम क्या जवाब देते? कहते, जज साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, इन मुगलों ने, इन पठानों ने हम पे ऐसा राज किया कि इस देश को सोने की चिड़िया बना दी, और ऐसे सोने की चिड़िया जिसकी चहक ने आपको मजबूर कर दिया कि आप 7 समुंदर पार करके यहां आए। वो भगत सिंह थे, मिसाल थे वो सेक्युलरिज्म के। हम कैसे भुला सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, जब उनको उनके किले से निकाल दिया गया तो वापस किला पहुंचती है अपनी फौज को लेकर, और रानी लक्ष्मीबाई एक हिंदू, उनके फौज को आगे कौन लीड कर रहा था मालूम आपको? मीर बख्शी सली, एक मुसलमान। तो रानी लक्ष्मीबाई जब पहुंचती है अपने किले पे, तो मीर बख्शी सली से कहती है अपने कमांडर इन चीफ से कि मीर बख्शी सली, दरवाजा तुम्हारे सामने है, तोप तुम्हारे पास है, तुम दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ते? तो मीर बख्शी सली अपनी नजरों को झुकाकर कहते हैं, रानी दरवाजे के एक तरफ मस्जिद है तो दूसरे तरफ मंदिर है, अगर दरवाजे को तोड़ेंगे तो किसी एक को तोड़ना होगा। रानी बेझिझक कहती है, तुम मंदिर को तोड़ दो। मीर बख्शी सली की आंखों में आंसू आ जाता है और पलट के मुसलमानों की फौज से कहते हैं, मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारी मस्जिद को बचाने के लिए अपनी मंदिर को तोड़वा दिया, आओ हम और तुम अहद करते हैं कि जब तक हमारे सांसों में सांस है, जब तक हमारे रगों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम अपनी रानी की रक्षा करेंगे। ये थी मिसाल सेक्युलरिज्म की। हम कैसे भुला सकते हैं उन दो दोस्तों की दोस्ती को, बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली, एक थे ब्राह्मण तो दूसरे मौलाना। इन दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो अंग्रेज़ों ने सोचा इन्हें कैसी सज़ा दी जाए कि आने वाली नस्लें याद रखे कि हिंदू मुसलमान कभी साथ ना हो। तो उन्हें एक ही पेड़ पे एक ही फांसी के फंदे से लटका दिया, यानी फांसी का फंदा एक और गर्दन दो। और मालूम आपको वो पेड़ कहाँ है आज? अयोध्या में। उस अयोध्या में जिसके एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काट रहे हैं आज, उसी अयोध्या में एक दो दोस्त थे। कैसे भूल सकते हैं उन्हें? हम कैसे भूल सकते हैं मुनीर बेग को और हुकुमचंद जैन को, एक मुसलमान तो दूसरे जैन। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो हुकुमचंद जैन को उनके इच्छा के खिलाफ उन्हें जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया और मुनीर बेग को जिंदा चिता पे जला दिया गया। तो ये थे मिसाल सेक्युलरिज्म के मेरे भाइयों। हम कैसे भुला सकते हैं इन्हें? हम कैसे भुला सकते हैं कि महाराणा प्रताप के कमांडर इन चीफ का नाम था हाकिम खान और मान सिंह के कमांडर इन चीफ और अकबर के कमांडर इन चीफ का नाम था मान सिंह? हम कैसे भुला सकते हैं कि टीपू सुल्तान, जिसे ये एंटी नेशनल कह रहे हैं, उनके कमांडर इन चीफ का नाम था रंगा, जो एक हिंदू थे? हम कैसे भुला सकते हैं कि शिवाजी छत्रपति, उनके कमांडर इन चीफ का नाम था इब्राहिम खान? हम कैसे भुला सकते हैं कि नाना साहेब पेशवा के कमांडर इन चीफ का नाम था अजीमुल्लाह खान? मेरे भाइयों, आज लोग बड़े खौफजदा हो गए हैं कि हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, अगर ये लोग इतिहास को बदलते हैं तो बदलने दो, आओ हम और आप मिलकर इस देश के मुस्तकबिल को बदलते हैं।